I'll finish it before that, sir. सर मैं हुकूमत से सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ कि इस कानून के खिलाफ हमारी पार्टी है, बहुत से पार्टियां हैं, मगर ये अजीब बात है कि एक स्वदेशी जागरण मंच है जो इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहा है, एहतजाज कर रहा है। क्या आप अच्छा वो भी है क्या आपके साथ? ये नहीं मालूम था कि स्वदेशी जागरण के साथ वो भी आपके साथ आ गए। नहीं 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 सर, मैं मुकाबला कर लूंगा, इनके बड़ों से मुकाबला करते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इनका माइंडसेट है, इनको जो दाढ़ी वाला दिखता है उनको आईएसआई नजर आता है सर, ये इनकी सोच है। ठीक है सर, सर यहाँ पर मुझे यहाँ पर इनके इस जुमले पर मुझे एक शेर याद आया कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिने होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। तो ये आपका माइंडसेट है। दूसरी बात ये कि स्वदेशी जागरण मंच को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमको क्या कंट्रोल कर पाएंगे आप, वो खुद आपके खिलाफ है। और ये हुकूमत सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के इससे क्यों डर रही है, आखिर क्या वजह है इतना डर खौफ किस बात का? और हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी भी जमीन को हासिल किया गया वो सिर्फ सरमायेदारों के लिए हासिल किया गया, अगर जमीन को गरीब के लिए और गरीबों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कभी ये कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती, मगर सिर्फ सरमायेदारों को और मजबूत बनाने के लिए, उनके तिजोरियों में और पैसा इजाफा करने के लिए यह कानून को लाया जा रहा है, यह हकीकत है। तीसरी बात यह है कि सर इस कानून में स्कूल और हॉस्पिटल बनाने का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो स्कूल और हॉस्पिटल बनाइए, इसमें बनाने से आपको कौन रोक रहा है? चौथी बात यह है कि लैंड बैंक कहां पर है, लैंड बैंक क्यों नहीं बनाते? मेरा मुशाहिदा यह है कि जितने जमीनों को दिया गया है सिर्फ बड़े बड़े सरमायेदारों को दिया गया है, एयरपोर्ट के नाम पर हजारों एकड़ दी गई, यहां जमीन खाली पड़ी हुई है। सर आज यहां पर अभी सुबह में एक मौजूद रुकन बात कर रहे थे आदिवासी ताल्लुक का, क्या यह बात हकीकत नहीं है सर कि यही हुकूमत ने, यही गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने आदिवासियों की जमीन लेने के लिए जो कानून था कि पहले ग्राम सभा से परमिशन लिया जाए, आप उसको निकाल दिए। आप आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं और खड़े होकर यहां कह रहे हैं कि अगर आदिवासी की बात कर रहे हैं आप वर्ल्ड बैंक को लेटर लिख कर दिए, आप वर्ल्ड बैंक को लेटर लिख कर दिए कि हम सर इसको बिठाइए, ये जैक इन द बॉक्स है, ये जैक इन द बॉक्स है, बिठाइए इसको। दिल्ली में ऐसी मार पड़ी कि अब तक संभला नहीं है, ये चारों खाने चित हो गए, इसके संभलने नहीं आ रहा है, इसको बिठाइए सर, ये बिन ब्रेक का आदमी है, बिठाइए इसको, खाली पुकारता है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, बके जा रहे हैं, बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या सर, इसीलिए मैं अरे तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठो यार, बैठो, पुकारना था तुमको खाली सर, इसीलिए मैं आपसे हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं कि इन चीजों पर गौर किया जाए, लैंड बैंक बनाया जाए, और जो पहले कानून 2013 का यूपीए ने बनाया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपेल्ड किया उस कानून को, और आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? तो इससे और सर आखिरी बात यह है कि कल हमारे वजीर आजम का बयान आया, वजीर आजम के बयान ने साफ जाहिर कर दिया कि जो माजी में बीजेपी ने यूपीए गवर्नमेंट के कानून की तायीद की गलत था, तो इसका मतलब बीजेपी में खुद नफाक है, तजाद है, डिवीजन है। शुक्रिया सर।